पाकिस्तान की बॉलिंग इंशाल्लाह इस बार बहुत अच्छी होगी। शहीन शाह अफरीदी पहले ओवर में इनको वो इनकी विकेटें उड़ा के रख देगा। अमर से पहले ही विराट कोहली की वो टांगे कांपने लगती हैं, तो इस बार इंडिया तो चारे खाने चीती नजर आ रहा है। क्यों पाकिस्तान यूएसए से हार गया वो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास भी एक विराट कोहली होता तो फिर हो सकता था कि ये सारा मैच जो है हम जीत जाते इंडिया से। और बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली। और अभी ये है कि एक बाबर आजम है, अगर छक्का चल गया तो चल गया, अगर ना चला तो फिर हम इंडिया जीतेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। वीडियो जानी है ये मेरी बात आज लिख लें, अगर तो पावर प्ले में रोहित शर्मा और विराट कोहली को अमर ले जाता है तो पाकिस्तान का मैच है, अगर नहीं लेके जाएगा पाकिस्तान मैच हार जाएगा। यार हमारी टीम सारी जो है ना वो हिजरे लगते हैं, ठीक है, और वो तो भाई वो जर्मन बात है, वो शेरों की तरह खेलते हैं। हमारा 6 ओवरों में 33 स्कोर होता है, इंडिया के 6 ओवरों में 70-60 इतना स्कोर होता है। यार ऑब्वियसली पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में कौन है, वो आजम खान है। वो पहली बॉल पे मोस्ट प्रोबेबली वो पहली या दूसरी बॉल होती है उसके लिए, उन्हें खेलने नहीं आना, वो तो सिर्फ शक्ल दिखाने आता है, ठीक है। उसके बाद फखर का ये है कि फखर अगर चल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं चले तो वो जल्दी चला जाएगा। मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा, और पाकिस्तान के पहले दो प्लेयर इनको ऐसा वो मुंह की इंडिया को मुंह की खानी पड़ेगी कल इंशाल्लाह। लगता है आपको इंडिया? हाँ इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा कल। इंडिया की बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन ज्यादा अच्छी है, तो इंडिया 180-190 कर सकता है। पाकिस्तान की बैटिंग थोड़ी कमजोर है, चेजिंग मुश्किल होती है लेकिन कर भी सकता है, कोई इतनी ऐसी बात नहीं। अगर वालेकुम सलाम मैम, बात की जाए कल पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा टाकरा होने जा रहा है, एक तरफ इंडिया की टीम एक तरफ पाकिस्तान की टीम, 9 जून, क्या लगता है कल इंडिया जीत जाएगी पाकिस्तान से या पाकिस्तान पकड़ लेगा इंडिया को? मुझे तो यही लगता है कि इंडिया जीत जाएगा, लेकिन यह है कि उम्मीदें और दिल यही चाहता है कि इंडिया ना जीते पाकिस्तान ही जीते, स्पोर्ट उसके साथ है। लेकिन एट द एंड जैसे कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, इसमें विराट कोहली भी है, रोहित शर्मा भी है, तो उस लिहाज से फिर थोड़ा सा 50-50 ही आया कि जैसे हमारी टीम जो है थोड़ी स्ट्रेस ले जाती है और स्ट्रेस मैनेजमेंट है, और बस ये है कि इसमें एट द एंड ये कि बाबर आजम ही है तो फिर काफ़ी ज़्यादा टफ है, लेकिन फिर भी एट द एंड ये है कि दुआ ये है कि पाकिस्तान जीते। आपको लगता है पाकिस्तान जीतेगा जो पाकिस्तान की सिचुएशन जा रही है, यूएसए से पाकिस्तान अभी मैच आ रही है? नहीं लगता तो नहीं है जीतेगा, बस वही कि दुआ है बस, और तो कोई चांस तो नहीं लग रहा कि पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया ही जीतेगा। टीम क्या लगता है कल कौन सी टीम आपको जीती नजर आ रही है? कल इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा, क्योंकि पहले जो हुआ है ना वो इंडिया और दूसरा यूएसए और पाकिस्तान का मैच हुआ है ना, उसमें थोड़ी सी हमारी टीम में ना वो खामियां नजर आई हैं, लेकिन इस बार जो है ना पाकिस्तान वो करके दिखाएगा जो उन्होंने 2017 में किया है, 2022 में किया है। इंडिया को इस बार फिर वो मुंह की खानी पड़ेगी, चाहे ये जो भी हैं रोहित शर्मा है, विराट कोहली हैं, इनसे हमारे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, इंशाल्लाह वो नाकाम रहे हैं पिछले मैच में तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इस बार बाबर आजम भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा और फखर जमान फिर इनके छक्के छुड़वाएगा। क्या लगता है पाकिस्तान की बॉलिंग चलेगी इंडिया के खिलाफ? पाकिस्तान की बॉलिंग इंशाल्लाह इस बार बहुत अच्छी होगी, शहीन शाह अफरीदी पहले ओवर में इनको वो इनकी विकेटें उड़ा के रख देगा। और आमिर भी है और साथ में हरीश भी है, आमिर से पहले ही विराट कोहली की वो टांगे कांपने लगती हैं, तो इस बार इंडिया तो चारे खाने चीती नजर आ रहा है। क्यों पाकिस्तान यूएसए से हार गया वो कोई बड़ी बात नहीं है, टीमें हारती रहती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आमिर तो मजाक बन गया यूएसए के खिलाफ, तो विराट कोहली को कौन से पकड़ेगा? यूएसए के खिलाफ आमिर मजाक नहीं बना, वो बस बैड लक था, हमारा बैड लक की वजह से हम हार गए हैं, वरना पाकिस्तान ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, यूएसए भी अच्छी टीम है, उन्होंने अच्छी अपना वो अच्छा खेले हैं इसलिए वो जीत सके हैं, वरना कोई और लोग बातें कर रहे हैं कि मैच फिक्स था या इस तरह की बातें हो रही हैं अमेरिका से हम हार गए हैं, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो मतलब उन्होंने भी अच्छी क्रिकेट खेली है, हमने भी अच्छी क्रिकेट खेली है, जो ज्यादा अच्छा खेल गए हैं वो जीत गए हैं। पाकिस्तान के ऊपर कल प्रेशर ज्यादा होगा कि कल इंडिया के ऊपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों बड़ी टीमें हैं, दोनों की हमेशा से राइवलरी रही है एक दूसरे को हराने की, एक दूसरे से जीतने की। देखें पाकिस्तान और इंडिया का मैच वाकई बहुत बड़ा मैच है, दोनों टीमों पर प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, और फिर सोशल मीडिया की वजह से थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा बन जाता है। पाकिस्तान पे प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेलना है और सेमीफाइनल खेलने के लिए इंडिया के हाथ से जीतना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, जो अभी लगता है मुश्किल है, जो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि अगले दो मैचेज हैं, अभी तो उनका भी कोई भरोसा नहीं है कि वो जीतेंगे कि या नहीं, अगर हम यूएसए से हार सकते हैं तो अगले मैचेज का भी कोई यकीन नहीं है। और इस वर्ल्ड कप में जिस तरह के अपसेट्स हो रहे हैं, अगर आज की मैच की बात करें नेदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो नेदरलैंड ने बहुत अच्छा साउथ अफ्रीका को पकड़ा है, तो अपसेट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पाकिस्तान का कुछ नहीं कहा जा सकता, और सुबह का मैच पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर ज़्यादा डालेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान वो मैच हारता है तो पाकिस्तान तकरीबन वर्ल्ड कप से बाहर। आपको लगता है पाकिस्तान की विराट कोहली रोहित शर्मा को पाकिस्तान बॉलर आउट कर सके? हमारा लेजेंडरी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर वापस आ गया, वो क्यों नहीं रह सकता, कर सकते हैं पाकिस्तान, विराट कोहली को भी आउट करेगा, रोहित शर्मा को भी आउट करेगा, वो कैसे आउट करेंगे जैसे पहले लास्ट टाइम किया था, भूल गए आप, वो तो चैंपियंस ट्रॉफी में आमिर को भूल गए आप, चैंपियंस ट्रॉफी तक आमिर को बहुत हल्के में ले रहे हैं, वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, लेजेंडरी बॉलर है आमिर। पाकिस्तान तो बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग साइड तो थोड़ा मजबूत होनी चाहिए ना,
अगर तुम 50 रन करो तो बॉलिंग तो मतलब बॉलिंग तो फिर नहीं रुकेगी ना टीम को। तो मोहम्मद हारिस और आसिफ अली को जगह देनी चाहिए, खान की जगह आसिफ अली को आनी चाहिए और मोहम्मद हारिस को देनी चाहिए। विराट कोहली है, रोहित शर्मा में से एक ही विकेट मोहम्मद आमिर जरूर लेके जाएगा। लगता है विराट कोहली को आउट कर लेगा यार, पहले नहीं किया, कितनी दफा कोहली को देखा नहीं, विराट कोहली को कितनी दफा उसने आउट किया भी तो देखे ना आप पहले, कल कर लेगा। हाँ करेगा, जरूर करेगा, इंशाल्लाह जरूर करेगा। अच्छा चलो, इंडिया को अगर पहले बैटिंग लाइन का मौका मिलता पाकिस्तान के खिलाफ, इंडिया कितना स्कोर करेगा? इंडिया की बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन ज्यादा अच्छी है, तो इंडिया 180-190 कर सकता है। पाकिस्तान चेज कर लेगा इंडिया के खिलाफ? पाकिस्तान की बैटिंग थोड़ी कमजोर है, चेजिंग मुश्किल होती है लेकिन कर भी सकता है, कोई इतनी ऐसी बात नहीं। अगर फकर जमान हमारा खड़ा हो जाए तो वो अकेला चेज कर सकता है। इंडिया का कौन सा प्लेयर है जो पाकिस्तान के खिलाफ सबसे खतरनाक चल सकता है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, जायसवाल, सूर्यकुमार यादव? विराट कोहली ज़्यादा है, जैसा कि हम प्रीवियस मैचेस को भी अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो उसमें यह है कि विराट कोहली जो है ना एज टफ टाइम देता है, और इधर देखा जाए तो एक है बाबर आजम जहा जो थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करता है, लेकिन एक खिलाड़ी से, एक प्लेयर से कैसे होगा कि वो सारा मैच जो है विराट कोहली तो अकेला जीत रहा है। हाँ ये बात तो है 100% ऐसे ही है, लेकिन यह है कि हमारे पास शायद विराट कोहली नहीं है तो इस वजह से हम मैच नहीं जीत सकते। ये इंडिया से किसी सूरत भी नहीं जीत सकते, ये हमारी कोई टीम है। विराट कोहली और बाबर आजम का कंपेयर, चलो सिर्फ एक बाबर आजम लगता है कि यार वो थोड़ा बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है, बाकी क्या टीम है। ये यूएसए से हार गए हैं, ठीक है, हमारा आमिर, हमारा शहीन, हमारा नसीम, हमारा हारिस और कोई बॉलर नहीं चला, ठीक है, तो इंडिया का बुमराह और वो सारे अच्छी बॉलिंग कराते हैं, हमारी लाइन लेंथ ही खराब हो जाती है। असल में भई ये दुआ करवाते हैं, सीधी सी बात है, ये पीछे डॉलरों में बिकते हैं, ठीक है, नहीं तो अब ये क्या यूएसए से इतनी आसानी से हार सकते हैं। फुल टॉस से बॉल करा रहा है शहीन उसको, और वो हारिस राउ भी उसको फुल टॉस से करा रहा है, हारिस राउ बॉल कराते हुए गिर जाता है, ठीक है, इतना सा इनका स्टैमिना है, ये किसी सूरत भी नहीं जीत सकते, इनका कंपैरिजन इंडिया के साथ बनता ही नहीं है। बैटिंग लाइन देखी जाए तो पाकिस्तान की कोई इतनी कोई खास नज़र नहीं आ रही, खसूसा जो इन्होंने आजम खान को रखा हुआ है उसकी कोई इंटरनेशनली परफॉर्मेंस है नहीं, उसे बाहर करना चाहिए। बॉलिंग है पाकिस्तान की अच्छी लेकिन अकेली बॉलिंग पर गुजारा नहीं होता, बैटिंग को बेहतर करना चाहिए, बॉलिंग साथ देगी फिर, अगर बॉलिंग अकेली बॉलिंग पर डिपेंड किया जाए तो मुश्किल ही है पाकिस्तान का। क्या कहते हैं? देखिए दोनों टीमें पर प्रेशर होंगी, इसलिए कि दोनों मतलब अच्छी टीम है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, इंडिया तो दे रही है लेकिन पाकिस्तान नहीं दे रहे, कल देखें इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाए। आप कहते हैं पाकिस्तान कल जीतेगा? कल जी जी जीतेगा इंशाल्लाह, कल जीतेंगे लेकिन 50-50 चांस है, मतलब अगर स्कोर ज़्यादा करे इंडिया तो फिर चेस करने मुश्किल पड़ जाएगी ना, उसके साथ भी अटैक बहुत अच्छे है बॉलिंग की, तो हमारा बॉलर को चाहिए कि जल्दी जल्दी आउट करे 150-160 से पहले तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगी। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान को जब फेस करेगी या पाकिस्तान इंडिया को फेस करेगा, कौन सा टॉप ऑर्डर होगा जो इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ चल सकता है? इंडिया का टॉप ऑर्डर यही रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनके जो मेन बैट्समैन है वही पाकिस्तान को थोड़ी सी मुश्किल में डाल, जायसवाल भी, सूर्यकुमार यादव भी है। नहीं जो वो इनके हमारे जैसे शहीन अफरीदी है, नसीम शाह है, आमिर है, इनके आगे वो नहीं टिक सकते, ये रोहित शर्मा है या विराट कोहली है, यही अगर टिक गया तो पाकिस्तान को थोड़ी सी मुश्किल होगी, वरना तो इनके कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो पाकिस्तान को थोड़ा मुश्किल में डाल सकता है। हमारा बाबर आजम और रिजवान ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने इनको दो प्लेयरों ने पूरा मैच इनको हरा दिया था, इंडिया को पूरे दो प्लेयर ही इनको पूरा मैच हरा सकते हैं, तो अब तो हमारी टीम इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फकर जमान है, आजम खान है, पावर हिटर है हमारा आजम खान, इफ्तखार की पिछले मैच में कारकर्दगी कोई अच्छी नहीं रही लेकिन इस बार इंशाल्लाह वो ना अपना जोर दिखाएगा और उसका एक्सपीरियंस बोलेगा इंशाल्लाह। जैसे कि इंडिया की टीम प्रेशर नहीं लेती किसी भी टीम के खिलाफ और बड़ा ही स्ट्रांग हो गया, यानी कि वो मैच खेल रहे हैं, हमारी टीम आज यूएसए में एंजॉय कर रही थी, शॉपिंग कर रही थी, जबकि इंडिया की टीम मैच की तैयारी कर रही है, बड़ी हार्ड ट्रेनिंग कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ, क्या लगता है कि अभी दोनों टीमों की आप स्ट्रेस जानते हैं कि क्या सिचुएशन बढ़ेगी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की? देखिए ये लास्ट टाइम पे आके कोई ट्रेनिंग करके या इस तरह करके कोई मैच नहीं जीत जाता, पाकिस्तान की टीम शुरू से ही मजबूत है, उन्होंने शुरू से ही ट्रेनिंग की हुई है, अब वहाँ जाकर भी वो मतलब इस तरह वो फंसे रहेंगे तो इस तरह से कुछ भी नहीं होता। इंडिया के सामने पाकिस्तान एक दिन में ट्रेनिंग करके कौन सा बंदा वो प्लेयर बन जाता है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, आपको लगता है पाकिस्तान के खिलाफ हार जाएंगे मैच? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बड़े बड़े प्लेयर, अब हमारा इफ्तखार उस दिन इतना पावर हिटर है नहीं चल पाया तो हम क्या कह सकते हैं कि इफ्तखार तो ऐसा है, मतलब एक ओवर में 30-35 रन मारने वाला प्लेयर है तो वो नहीं बना सका, तो इस तरह इंडिया तो पकड़ लेगा, इंडिया के चांसेस भी हैं क्योंकि इनको एक मोमेंटम बना हुआ है पाकिस्तान का मोमेंटम, क्योंकि पिछले हम सीरीज भी हारते हुए आ रहे हैं, फिर यूएसए के खिलाफ भी हम मैच हारे हैं, इंडिया का एक मोमेंटम बना हुआ था, अभी वो आईपीएल भी खेल के आ रहे थे, उसके बाद फिर अभी मैच हुआ उसमें भी उन्होंने अच्छा गेम किया,
पाकिस्तान को थोड़ा सा एज है कह लें कि पिच की तरफ से है कि फास्ट बॉलिंग को एज होएगा उधर से, लेकिन उधर भी देखें ना उधर भी बुमराह है, तो उधर से कहें तो इंडिया को एज है, वाकई है, इंडिया पाकिस्तान को पकड़ भी लेगी, लेकिन करेंगे कोशिश, पाकिस्तान ज़रूर कोशिश करेगा कि अपना दोबारा मोमेंटम बहाल करे, लेकिन जो कि नज़र नहीं आ रहा। पिछले मैच की बात करें अगर हम तो बैटर्स बुरी तरह नाकाम हुए, वो एक हमारी किस्मत कह लें अच्छी कि शादाब और बाबर की जोड़ी चल गई और थोड़ा रन जो से है वो इंक्रीज हुए, अदरवाइज मिडल ऑर्डर ने बिल्कुल मायूस किया। मिडल ऑर्डर इससे अच्छा है कि आप ना ही रखें। मिडल ऑर्डर किसका अच्छा है पाकिस्तान का? जैसे कि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस गई है यूएसए के खिलाफ, आपको लगता है पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन जो कि इंडिया के सामने टिकेगी, इंडिया के पास विराट कोहली, रोहित शर्मा, जयसवाल, सूर्यकुमार यादव है, हमारे जो बॉलर वो फ्लॉप जा रहे हैं? नहीं, हमारे बॉलर अच्छे हैं, मोहम्मद आमिर है, उनका प्रेशर है। आमिर को तो लास्ट में आके यूएसए ने 18 स्कोर मार दिए, उसमें 7-8 रन एक्स्ट्रा थे ना, तो आमिर ने दिए ना? तो नहीं, फील्डिंग ने दिया है। फील्डिंग ने कहां पे दिया? वाइड किसने किया? आमिर ने किया। वाइड तो उसने किया, उसकी तीन वाइड थी, 7 स्कोर एक्स्ट्रा है। हां, तीन वाइड पे 7 रन एक्स्ट्रा, 7 मिले। यही वाइड ना होती तो 11 स्कोर होना था। वो तो बात ठीक है, लेकिन उसके पीछे दो ओवर तो देखना भैया, अगर आमिर ना होता तो बात सुपर ओवर तक जानी नहीं थी। बिल्कुल, आमिर ने होता बात सुपर ओवर तक नहीं जानती, पाकिस्तान ने वैसे ही हार जाता, फिर क्या करता? लेकिन आमिर ने एंड में आगे सुपर ओवर किया ना, और आमिर ने मार खाई ना, आमिर को एक चौका लगा, तीन वाइडें हुई, उसने 5 सिंगल करवाई, ठीक है। बाकी एक्स्ट्राज किसने दिए? पीछे रिजवान ने दिए एक्स्ट्राज, जो उन्होंने ओवर थ्रोज की वो भी आमिर ने करवाई हैं। आमिर का तो आज आके चलो तीन वाइडें लगा लो, एक चौका, 5 सिंगल, 12 रन बनते हैं, फिर भी बाकी 7 रन। पाकिस्तान की टीम कल इंडिया को फेस करने जा रही है, क्या लगता है पाकिस्तान टीम इंडिया से जीत पाएगी कल? इंशाल्लाह जरूर जीतेगी पाकिस्तान की। कैसे जीतेगी? पाकिस्तान की टीम जीतेगी, क्यों नहीं जीतेगी? हमें क्या करेगा पाकिस्तान अगर एक मैच हार गई, इसके मतलब तो नहीं पाकिस्तान की टीम फारग है, ऐसी बड़ी बात नहीं है उसके लिए। उसने वो बड़े मैच का प्लेयर है, उसने बड़े बड़े मैच जितवाए पाकिस्तान को, और उसके लिए चेज करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने उसके वर्ल्ड कप में लास्ट न्यूजीलैंड के खिलाफ उसकी सीरीज आपने देखी है, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो कह रही है बांग्लादेश के खिलाफ चला ना, फगर उसके खिलाफ भी तो चला ना, वन साइडेड मैच ले गया वो, खुद बारिश हो गई है, वरना मैं कहता हूँ इतना बुरा हारना था, 40 ओवरों में चेज था। ये मेरे पास स्क्वाड है पाकिस्तान का, इस तरह देखना, ये देखो ये मेरे पास स्क्वाड है पाकिस्तान का, क्या लगते हैं कि इनमें से कौन सा जो यानी कि पाकिस्तान का बैट्समैन है जो इंडिया के खिलाफ चलेगा, और इंडिया का कौन सा बैट्समैन जो पाकिस्तान को मारेगा? यार मैं आपको बताऊँ, इंडिया के सिर्फ दो ही बैट्समैन हैं, बाकी सारी मेरी नज़र में फारग है, सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली, इसी पे इंडिया की टीम टिकी हुई है। अगर ये दोनों टीम से आज बाहर हो जाए, इंडिया की टीम फारग हो जाएगी, ठीक है। और पाकिस्तान में जो इस टाइम कैपेबल है वो सिर्फ एक ही बैट्समैन है, वो फखर जमान है, ठीक है, जिसपे हम उम्मीद कर सकते हैं जो मैच को लेकर जा सकते हैं एंड तक। एक बॉल की देर होती है, एक बॉल अच्छी पड़ गई तो ये विराट कोहली भी लगा जाएगा और रोहित शर्मा भी लगा जाएगा, कोई चला जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपको लगता है? हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है कि इस बार हमारा शहीन अफरीदी और नसीम शाह इनको टिकने नहीं देंगे, हाँ, पहले पावर प्ले में इनकी विकेटें उड़ा लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि बुमराह सारी टीमों के जितने भी बड़े से बड़े बैट्समैन उससे डरते हैं, उसका खौफ है। पाकिस्तान के खिलाफ आप बुमराह की बॉलिंग कैसे देख रहे हैं? बुमराह कोई इतना वो खतरनाक बॉलर नहीं है, बुमराह अच्छा बॉलर है, ये हम नहीं कहते कि वो बॉलर वो अच्छा है, स्पिनर है, वो बुमराह फास्ट बॉलर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ कैसे परफॉर्म कर, आपको लगता है पाकिस्तान के खिलाफ जो बुमराह वो चलेगा? वो उसका ना ज्यादा एक्सपीरियंस है, हमारे नहीं है कुछ लड़के, हमारे सारे पुराने, इंडिया के सारे नहीं है। सजी बुमराह पुराना है, आप देख, अकेला बुमराह ही पुराना ना। हाँ जी, उसकी हमारे में से सिर्फ साइम यू है, समा खान है, ठीक है, बाकी सारे नहीं, आजम खान है। तो 20 ओवर होने हैं, उसमें से 4 ओवर बुमराह के होने हैं, तो 4 ओवर बुमराह के होने, कौन सा उसने 4 विकेटें बुमराह लेके पाकिस्तान की टीम दे, 4 नहीं ले सकता ना, इस तरह वो देख के खेलेंगे ना, वो हर बार ऐसा तो नहीं होता कि 4 विकेटें वो ले जाए। की बात ये है कि पिच नहीं है, पिच पे वो खेले हुए नहीं है। इंडिया ने तो हरा दिया ना लास्ट टाइम आयरलैंड को, देखे कैसा, कितने 95 पे आयरलैंड को आउट किया है उनका, इंडिया ने एक्सपीरियंस हो, पाकिस्तान को आयरलैंड 200 मारती रही है। वो बस होती है बैड लक होती है कभी कभी, ये हमारी टीम के साथ बैड लक हो रही है, इंडिया के साथ नहीं, इस बार नहीं, बस हम एक ही तो मैच खेलेंगे। कल के मैच के अंदर कौन जीतेगा फाइनल मैच? इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा, और पाकिस्तान के पहले दो प्लेयर इनको ऐसा वो मुंह की, इंडिया को मुंह की खानी पड़ेगी कल इंशाल्लाह। लगता है आपको इंडिया? हां इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा कल। यार ऑब्वियसली पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में कौन है? वो आजम खान है, वो पहली बॉल पे ही मोस्ट प्रोबेबली वो पहली या दूसरी बॉल होती है उसके लिए, उन्हें खेलने नहीं आना, तो वो तो सिर्फ शक्ल दिखाने आता है, ठीक है। उसके बाद फखर है, फखर का ये है कि फखर अगर चल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं चले तो वो जल्दी चला जाएगा।